हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट और एक्सरसाइज नंबर 7.1 को भी स्टार्ट कर दिया था। 7.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देख लिया था। आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कुछ बुक्स में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। आपको कुछ नंबर दे रखे हैं और बोला है कि इनमें से परफेक्ट क्यूब कौन से नहीं है। ठीक है, आपको चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, 216, आपको इसको चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। आपको बताया गया था कि अगर किसी नंबर को चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है तो क्या करते हो आप, प्राइम फैक्टर करते हो उसके। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे, प्राइम फैक्टर मेथड। तो लगा दो 216 के प्राइम फैक्टर करो, 216 के प्राइम फैक्टर कर दो। सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, ये 2 से, 1 टाइम, 0 टाइम, 8 टाइम। अगर आपको इस तरीके से डिवाइड करना नहीं आता तो आप सिंपल डिवाइड करके देख लेना, 216 को 2 से सिंपल डिवाइड करके देख लेना। ये हो गया 1 टाइम, फिर 0, फिर 1, फिर यहाँ पे 0, फिर 16, ये हो गया 16, यहाँ पे 108 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप डिवाइड करके देख लेना अगर आपको इस तरीके से डिवाइड नहीं आता तो। फिर किससे होगा, 2 से, 5 टाइम, 4 टाइम, फिर 2 से, 2 टाइम, 7 टाइम। अब 2 से नहीं होगा, किससे होगा, 3 से, तो 3 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। कब तक आपको प्राइम फैक्टर करना, जब तक कि यहाँ पे नीचे क्या नहीं आ जाए, 1 ना आ जाए। उसके बाद कैसे लिखोगे इसको, 216 को कैसे लिखना आपको, देखो 1 2 3, 3 टाइम तो क्या है, 2 है, 2 into 2 into 2, फिर 1 2 3, 3 टाइम क्या है, 3 है। अब आपको चेक करना है कि जो सेम फैक्टर्स के तीन तीन के जोड़े बनाने हैं आपको, सेम फैक्टर के तीन तीन के जोड़े यानी कि ट्रिपलेट्स बनाने हैं आपको। तो देखो ये तीनों 2 2 2, 3 है अपने पास में, तो 2 2 2 हो गया, 3 है टोटल, और 3 भी कितने अपने पास, 3 है, यानी कि 2 भी क्या है, 3 के जोड़े में, 3 भी क्या है, 3 के जोड़े में, यानी 2 एंड 3 आर इन द ग्रुप ऑफ 3। तो अपन लिख देंगे हियर ऑल फैक्टर्स आर इन ग्रुप ऑफ 3, सो 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, 2 और 3 इसमें ग्रुप ऑफ 3 के अंदर है, तो अपने लिखते हैं हियर ऑल फैक्टर्स आर इन ग्रुप ऑफ 3, सो 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। अब इसका सेकंड जो पार्ट है वो क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, 128, सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, 128। आपको चेक करना कि प्राइम फैक्टर, आपको चेक करना कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो अपन क्या करेंगे इसका भी प्राइम फैक्टर करेंगे। तो कर सकते हो प्राइम फैक्टर, 128 डिवाइड करो पहले 2 से, 6 टाइम, 4 टाइम, फिर 2 से, 3 टाइम, 2 टाइम, फिर 2 से, 1 टाइम, 6 टाइम, फिर 2 से, 8 टाइम, फिर 2 से, 4 टाइम, फिर 2 से, 2 टाइम, फिर 2 से, 1 टाइम। ठीक है, इस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर कर दिया अपन ने। अब क्या करो, वैसे करो सेम इसकी तरह ही लिख दो, 128 इज इक्वल कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स क्या है, 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब ट्रिपलेट्स बनाओ इनके तीन तीन के सेम फैक्टर्स के जोड़े बनाओ। यहां से स्टार्ट किया अपने, ये अपने पास में इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये 3 अपने पास में जो 2 है वो तीन तीन के जोड़े में, तो अपने लिख दिया 2 की पावर 3 लिख सकते हो इसको। फिर अगला 2, ये भी क्या है ट्रिपलेट्स में, तो इसका लिख दो 2 की पावर 3, लेकिन लास्ट में क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे तो 2 की पावर 3 हो गई, यहाँ पे भी 2 की पावर 3 हो गई, लेकिन ये जो 1 यहाँ पे 1 टाइम क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, इसका मतलब ये क्या नहीं है परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है वो ट्रिपलेट्स के अंदर नहीं है, नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिख रहा हूं यार 2 इज नॉट इन ग्रुप ऑफ
3. Here 2 is not in group of 3, so 1 to 8 is not a perfect cube. So 1 to 8 क्या नहीं है? एक perfect cube नहीं है. यहाँ तक आपको clear हो चुका होगा. अगला देखो. अब third number कितना है अपने पास में? 1000. आपको check करना है कि जो 1000 है वो perfect cube है या नहीं है. तो क्या करेंगे अपन? prime जो 1000 उसका prime factor कर दो. तो 1000 prime factor करते हैं अपन. 1000 सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? ये 2 से. 500 टाइम फिर 2 से. 250 टाइम फिर 2 से. 125 ठीक है. अब 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, किससे होगा? 5 से होगा. तो 5 से कर दो. 25 टाइम 5 से. 5 टाइम और 5 से 1 टाइम. ये अपने पास में आ गए जो 1000 है उसके प्राइम फैक्टर. अब इसको ऐसे लिख दो. 1000 इज इक्वल टू 2. कितने टाइम अपने पास है? 1 2 3 3 टाइम. तो क्या है? 2 है. 2 × 2 × 2 ठीक है. उसके बाद 5 कितने टाइम अपने पास है? 1 2 3 3 टाइम क्या है? 5 है. तो 5 × 5 × 5. अब क्या करो? सेम फैक्टर्स के ट्रिपलेट्स बनाओ, यानी तीन तीन के जोड़े बनाओ सेम फैक्टर्स के. तो यहाँ पे देखो 2 2 2 तो अपने पास कितने टाइम आ रहे? 3 टाइम आ रहे. और 5 5 5 भी कितने टाइम आ रहे? 3 टाइम आ रहे. तो लिख दो 2 की पावर 3 × 5 की पावर भी 3. 2 की पावर भी 3 आ रही है, 5 की पावर भी 3 आ रही है. जो 2 है वो भी ट्रिपलेट्स में और जो 5 है वो भी ट्रिपलेट्स में, यानी तीन तीन के जोड़े के अंदर है. तो यहाँ लिख देंगे यर ऑल फैक्टर्स आर इन ग्रुप ऑफ 3. सभी फैक्टर्स क्या है? 3 के ग्रुप में. सो 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब. तो 1000 क्या हो गया? एक परफेक्ट क्यूब हो गया. अब फोर्थ वाला देखो. फोर्थ नंबर क्या है? 100. फोर्थ वाला नंबर कितना है? 100. आपको चेक करना है कि जो 100 है वो प्राइम, जो 100 है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. तो क्या कर दो? प्राइम फैक्टर कर दो 100 के. पहले होगा 2 से 50 टाइम, फिर 2 से 25 टाइम. अब 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, किससे होगा? 5 से होगा. तो 5 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम ठीक है. अब लिख दो 100 इज इक्वल टू 2 कितने टाइम है? 2 टाइम. 1 और 2 2 टाइम तो क्या है? 2 है. फिर 5 कितने टाइम है? 2 टाइम. तो 5 भी 2 टाइम है ठीक है. यानी ना तो अपने पास 2 ट्रिपलेट्स में आया, यानी 2 भी अपने पास में 2 टाइम ही है, 3 टाइम होनी चाहिए अपने पास में. यहाँ पे कितने टाइम है? केवल 2 टाइम. 5 भी कितने टाइम है? 2 टाइम. होनी कितने चाहिए? होनी कितने टाइम चाहिए? 3 टाइम. तो लिख देंगे यहाँ पे अपने पास कोई ट्रिपलेट्स नहीं है, तीन तीन का कोई भी जोड़ा नहीं है. तो हम लिख देंगे यर 2 and 5 आर नॉट इन ग्रुप ऑफ 3. यानी कि ना तो 2 9 5 किसमें नहीं है? ग्रुप ऑफ 3 के अंदर नहीं है. Here 2 and 5 are not in group of 3, so 100 is not a perfect cube. तो 100 क्या नहीं है? एक perfect cube नहीं है. Next number क्या है अपने पास में? 4 6 6 5 6. Next number क्या है? 4 6 6 5 6. इसको अपन को चेक करना है कि perfect cube है या नहीं है. तो अपन क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर कर दो इसके भी. इसके प्राइम फैक्टर करते हैं अपन. 4 6 6 5 6 के प्राइम फैक्टर कर दो. सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? 2 से. अगर आपको इस तरीके से डिवाइड करना नहीं आता तो आप सिंपल डिवाइड की तरह डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो ठीक है. तो 2 से डिवाइड करो. पहले 2 टाइम 3 टाइम 3 टाइम 2 टाइम 8 टाइम ठीक है. फिर वापस 2 से होगा 1 टाइम 1 टाइम 6 टाइम 6 टाइम 4 टाइम. फिर किससे होगा? 2 से होगा 5 टाइम
एट टाइम, थ्री टाइम, टू टाइम, फिर टू से होगा टू टाइम, नाइन टाइम, वन टाइम, सिक्स टाइम, फिर टू से होगा वन टाइम, फोर टाइम, फाइव टाइम और फिर एट टाइम, फिर टू से होगा सेवन टाइम, टू टाइम, नाइन टाइम, अब किससे होगा बताओ। अब देखो अब टू से नहीं होगा, थ्री से होगा, थ्री से कर दो, थ्री से टू टाइम, फोर टाइम, थ्री टाइम, फिर थ्री से एट टाइम, वन टाइम, फिर थ्री से टू टाइम, फिर सेवन टाइम, फिर थ्री से नाइन टाइम, थ्री से थ्री टाइम और थ्री से वन टाइम। इस तरीके से अपने पास फोर सिक्स सिक्स फाइव सिक्स के प्राइम फैक्टर आ गए, तो अपन लिख देंगे इसको फोर सिक्स सिक्स फाइव सिक्स इज इक्वल टू, अब काउंट करो तो कितने टाइम है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स तो क्या है टू है, तो लिख दो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितना है वन टू थ्री फोर फाइव और टू इंटू थ्री, कितने टाइम है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स टाइम में क्या है थ्री है, तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स अपने पास क्या आ गई थ्री आ गई। अब क्या करो तीन तीन के जोड़े बनाओ यानी ट्रिपलेट्स बनाओ सेम फैक्टर्स के, सेम फैक्टर्स के आपको तीन तीन के जोड़े बनाने हैं। तो देखो ये स्टार्टिंग वाले टू तीन तीन के जोड़े में आ गए, ये अपने यहां लिख सकते हैं टू की पावर थ्री हो गया पहला, फिर आगे वाला टू भी तीन तीन के जोड़े में आ रहा है तो अपन लिख देंगे वापस टू की पावर थ्री, फिर ये थ्री भी क्या आ रहा है तीन तीन के जोड़े के अंदर आ रहा है तो अपन लिख दिया टू की पावर थ्री इंटू ये थ्री भी अपने पास में तीन तीन के जोड़े में आ रहा है तो इसको यहां लिख दो थ्री की पावर थ्री। सभी फैक्टर्स की पावर क्या है थ्री है, इसका मतलब सभी फैक्टर्स क्या है ट्रिपलेट्स के अंदर है, तो लिख दो हियर ऑल द फैक्टर्स आर इन, ऑल द फैक्टर्स आर इन ग्रुप ऑफ, हियर ऑल द फैक्टर्स आर इन ग्रुप ऑफ थ्री, सो हियर ऑल द फैक्टर्स आर इन ग्रुप ऑफ थ्री, सो फोर सिक्स सिक्स फाइव सिक्स इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो फोर सिक्स सिक्स फाइव सिक्स क्या है परफेक्ट क्यूब है, आपको समझ में आ चुका होगा। किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं उसके प्राइम फैक्टर करते हैं और भी सेम फैक्टर्स के तीन तीन के जोड़े बनाते हैं, अगर तीन तीन के जोड़े पूरे पूरे बन जाते हैं तो इसका मतलब वो परफेक्ट क्यूब होता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।